नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ क्लिक के स्पेशल कार्यक्रम हमसे है ज़माना में आप सबका स्वागत है। इस समय जब देश अभूतपूर्व लॉकडाउन में है, एक तरफ कोरोना का आतंक है, दूसरी तरफ भूख और बेरोज़गारी है, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर हैं, जिन्हें घर में रहना है, जिनकी चार दीवारियाँ वे चाहते हैं कि सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसे में ही हमें बहुत से ऐसे लोग मिले जो उन लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है। ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कोरोना योद्धा, या कह सकते हैं कोरोना शीरोज़, या कोरोना हीरोज़, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये कोई सरहद नहीं जानते, किसी धर्म और जाति से बटे हुए नहीं हैं। ये अपनी जान को जोखिम में लेकर हमने पाया कि पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है, जो छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको बचाने के लिए सरकारें सामने नहीं आ पा रही, वहां तक मदद नहीं पहुंचा पा रही। आदाब, मैं इरशाद आलम को भी दिखाना चाहता हूं टैलेंट एनजीओ की तरफ से। आप लोगों की मदद से जो चीज़ें चल रही हैं, आप देखिए किस हद तक तादाद है हमारी यहाँ पर। आप यकीन मानिए, मैं चला जा रहा हूँ और लोग अंदाज़ा लगाइए किस हद तक लोग हैं। ये आपको एक डायरेक्शन का दिखा रहा हूँ, अब मैं इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम तकरीबन कोई 400-500 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनके लिए हमें रोज़ मैनेज करना है और इस तरह से खाना खिलाना है, और पूरी कोशिश जारी है लोगों को खाना देने की। आप लोग किस संस्था से हैं? हम लोग DMC दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से हैं, और कुछ हमारे दूसरे संस्थाओं के लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कब से आप लोगों ने देना शुरू किया और अभी तक कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से? यहाँ से तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं, हजारों की संख्या में जा चुके हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहाँ के जा रहे हैं, आप लोग पूछ भी रहे हैं उनसे? हाँ, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड और पूर्वांचल उत्तराखंड के जा रहे हैं। हम सत्संगी लोग हैं और ये हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, जो लोग जो एक ये सोसाइटी है माइनॉरिटी की, तो हमारे जो कुछ लोग थे जो घर में ही मतलब ये सारी चीज़ें तैयार करके लेके आए हैं, जिसमें चार पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी, और बाई पैकिंग करके जो सरकार ने जो नियम लागू करे हैं हमारे लिए, वो पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। हम खाना बरताना चाहते हैं। जिस समय हम बात कर रहे हैं कि एक भारतीय नागरिक को दूसरे भारतीय नागरिक की मदद करना ज़रूरी है, ऐसे में केरला सरकार एक बड़े उदाहरण के तौर पे हमारे सामने है। केरला सरकार ने कहा कि 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर जो वहाँ पर हैं, उन्हें वे मेहमान गेस्ट के तौर पर उनके साथ रवैया करेगी, उनका ध्यान रखेगी, उन्हें खाना और रहना उनको मुहैया कराएगी। अगर बाकी सरकारें भी प्रवासी मजदूरों के बारे में, दिहाड़ी मजदूरों के बारे में, कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में यही भरोसा उनको दिला पाएँ, तो शायद इस समय जो राजमार्गों पे, जो नेशनल हाईवेज पे हमें दिल दुखाने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे दृश्य ना दिखाई दें। हमें और आपको सबको भारत के इन नागरिकों की मदद करना बेहद ज़रूरी है, वरना अगर ये लोग नहीं रहे, जिस पैमाने पर इस समय पलायन हो रहा है, जिसे भारत का लॉन्ग मार्च कहा जा रहा है, वह आने वाले खौफनाक दिनों की तस्वीर पेश कर रहा है हमारे सामने। लॉकडाउन के चलते लखनऊ में रोहिणी एंजल्स ने सराहनीय काम शुरू किया है। लखनऊ की गोमती नगर में महिलाओं ने एक साथ आकर लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और बेघर लोगों के लिए मिलकर खाना बनाने की शुरुआत की है और इसे 21 दिनों तक चलाए रखने की कोशिश कर रही हैं। तमाम महिलाओं ने प्रण लिया है कि वे कुछ भी हो जाए अपने इस मिशन को चलाती रहेंगी और थकेंगी नहीं, वे खुद मिलकर खाना बना रही हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पड़ता है उजरियाओं गांव। यहां पर रुबीना अयाज और उनकी तमाम और महिला और पुरुष साथी मिलकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों को दिहाड़ी मजदूरों और बेघर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कई बार वे पका हुआ खाना देते हैं और कई बार राशन।
ये वही महिलाएं हैं जो पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले आंदोलन में आगे मोर्चा संभाली हुई थी। दिल्ली में मटियाला में जहां झुग्गी बस्ती है वहां पर भी लोगों को अनाज बांटने का काम चल रहा है। यह काम अनहद संस्था की मदद से बाकी तमाम युवा वॉलंटियर कर रहे हैं और यहां देखने को मिला है कि लोगों में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता है कि उन्हें राशन मिल रहा है। वे खुद अपने हाथ से बनाकर घर का खाना खाना चाहते हैं। मुंबई में भी इस तरह के अनेक काम चल रहे हैं। तमाम महिलाएं पुरुष साथ आकर बेघरों को दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। इससे जुड़ी तनु ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती में भी महिलाएं मिलकर खाना जुटा रही हैं, पका रही हैं और लोगों को दे रही हैं। गुजरात में और ख़ास तौर से अहमदाबाद में भी तमाम नौजवान साथी ऐसे ही नेक काम में उतरे हुए हैं। वहाँ देवदसाई और उनकी पूरी टीम रोज़ घरों से खाना इकट्ठा कर रही है, महिलाएं उनकी टीम में खाना बना रही हैं और रोज़ नए नए अलग अलग ढंग के व्यंजन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और आप और हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने स्तर पर किस तरह से एक परिवार, दो परिवार या अनगिनत परिवारों की मदद कर सकते हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं। हमने देखा दिल्ली के तुर्कमान गेट में, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट को चलाने वाले तमाम लोग इस समय रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। हमने देखा द्वारका में, हमने देखा दिल्ली के कोने कोने में यमुना पुश्ते पर ऐसे लोगों की फौज है जो बाकी जो खाना दिया जा रहा है सरकार की तरफ से इसमें अपना हाथ बटा रही है। इस समय ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने परिवार को सिर्फ अपनी चारदीवारी ना समझें। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग नौजवान हैं, वे बाहर आएं, सुरक्षा के साथ बाहर आएं और उन लोगों की मदद करें जो इस समय बेहद संकट में हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें हमें और आपको सलाम करना ज़रूरी है। और उनको देखते हुए मन्ना डे का वो गाना जो जावेद अख्तर ने लिखा था वह याद आता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। शुक्रिया।